जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण दासों का वीडियो में स्वागत है। आप जैसे कि दर्शन कर रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी के, जो वृंदावन व्रज धाम में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में कथा चल रही है गुरुदेव की, जैसे कि आप दर्शन कर रहे हैं रोज़ाना आस्था चैनल पे आप कथा के आनंद लेते हो और काफ़ी करोड़ों भक्तों का जीवन सुधर चुका है आस्था चैनल से सुनकर। जो धाम पे वृंदावन नहीं आ सकते तो वो वहीं से अपने घर बैठे आनंद ले सकते हैं कथा का। आप देख सकते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी का परिचय करा चलें तो ये बहुत बड़ी कथावाचक हैं और ये कट्टर हिंदू सनातनी है। और अब बात आए तो श्री अनिरुद्धाचार्य जी की, ये इनका स्वभाव बहुत सरल है। जैसे कि इनकी वाणी जितनी मीठी है, जितना सुंदर रूप है, वैसी इनकी वाणी भी बहुत मीठी है। ये कथा बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत मिठास है इनकी वाणी में और भजन भी बहुत सुंदर गाते हैं। और ये भी वृंदावन में रहते हैं। आप जाओगे वृंदावन में तो गौरी गोपाल आश्रम ज़रूर जाना, वहीं पर इनका हाउस है, फैमिली रहती है और वहीं पर बहुत सारी माताएँ रहती हैं जो बेघर कर दी गई हैं, तो गुरुदेव ने उनको अपनाया है, सेवा अपनाई है। वैसे तो देख कहते हैं वक्त तो परमात्मा सब कराते हैं, ले हमारा तो एक जरिया होता है। जी हाँ, वो बात सच है, लेकिन परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। करोड़ों में से एक को चुनते हैं सेवा के लिए, जिसमें से हमारे महान गुरुदेव हैं जो इतने महान कार्य करते हैं। अब बताते हैं हम आपको बागेश्वर धाम सरकार के, जो मध्य प्रदेश गढ़ा गांव में, जो कि देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप राजस्थान में कथा चल रही है, जैसे कि दिव्य दरबार भी लगा था, जहाँ भी गुरुदेव कथा करने जाते हैं वह दिव्य दरबार लगते ही लगता है। महासंत अपने भगवा रंग के सारे वस्त्र पहन के और गले में बहुत सारी कंठ धारण करके, मस्तक पर चंदन लगा के, छोटा बड़ा सबके मस्तक पर चंदन है। सभी भाव से अपनी आरती लेके श्रीमद् भागवत कथा जी की उतार रहे हैं और गुरुदेव ब्लू वस्त्र पहने हैं, कुर्ता पहने हैं और गले में बालाजी की कंठ धारण है, मस्तक पर चंदन है। आप देख सकते हैं मंच बहुत सुंदर लग रहा है। और अब पता चले हैं, देखिए श्रीमद् भागवत कथा हनुमान कथा भी करते हैं बागेश्वर धाम सरकार। और श्री भागवत कथा जैसे कि राधा कृष्ण की श्री अनिरुद्धाचार्य जी करते हैं। वैसे तो सबको हक है कथावाचकों को जिसने परमात्मा ने चुना है, उनमें से एक है अलग जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो कि शिव पुराणी ही कथा करते हैं और श्री पूरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, ये शिव पुराण कथा में इतने आनंद आता है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पब्लिक ने, इतनी व्यवस्था की गई, 4-5 पंडाल लगाए गए फिर भी कम पड़ गया इतना। और सिर्फ इसमें इतना ही नहीं, पर्चे भी बनते हैं जिस लोगों को लाभ हो रहा है, महादेव की कृपा के पात्र बने हैं। अब बताते हैं आपको प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। जी हाँ, जो आप देख सकते हैं दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी के नाम का और उनके नाम उच्चारण सिंहासन पे कितना सुंदर पुष्पों से सजा रखा है और ये रोज़ाना पुष्प ताजी ताजी से श्री जी को का श्रृंगार करते हैं, माला पहनाते हैं। सभी सेवादार इसमें लगे हैं, जो कि इतने महान सेवा श्री जी की सेवा ब्रजवासी को, गुरुदेव को प्राप्त हुई है। जी हाँ, हमारे किशोरी जी को बहुत सुंदर सजाते हैं गुरुदेव और प्रेमानंद महाराज जी, सिर्फ राधा रानी की और राधे कृष्ण भगवान की कृपा पे ही जिंदा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें।